नमस्कार, मैं अमित कुमार कश्यप, बीएससी सेकेंड ईयर, शासकीय महाविद्यालय कोतई। आज मैं राजा दशरथ की एक्टिंग करने जा रहा हूँ। राजा दशरथ की, हाँ रानी, मुझे याद है जब आपने मेरी जान बचाई थी, तभी से मैं अपने इस जान को आपकी धरोहर समझता हूँ। और मुझे ये भी याद है कि मैंने आपको दो वचन दिया था जो कि आज मेरे पास धरोहर के रूप में है। जो मांगना चाहते हो मांग सकती हो। आपके वचन को जरूर पूर्ण करूँगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? राम मुझे बहुत प्रिय है, राम मेरी जान से भी प्यारी है। प्लीज अपने दूसरे वरदान को वापस ले लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। रानी, मेरे जो दूसरे वरदान है उसको वापस ले लीजिए। मैं भरत को राजपाठ दे दूँगा, लेकिन राम को वनवास जाने मत दीजिए। मैं राम से क्या मुँह दिखलाऊँगा? नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ बात नहीं, लेकिन मैं अपने वचन को जाने नहीं दूंगा। मैं इस पात्र विशेष से आपको ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि जब भी आप खुशी महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हो, तो आप कभी भी किसी को वचन ना दो, क्योंकि खुशी के समय हमारे जो सोचने समझने की शक्ति होते हैं वह शून्य हो जाते हैं। हम प्रसन्नता में इतना डूब जाते हैं कि हम अपने बारे में ही भूलकर हम कुछ ये कर बैठते हैं कि जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, हमारे लिए घातक हो सकते हैं। अतः आपसे इस पात्र विशेष के माध्यम से यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि आप कभी भी वचन देते हो तो सोच समझकर ही देना चाहिए, खुशी में वचन ना दें।